नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैंपिंग ट्रैवलर इंडिया और निकल चुका हूं अपनी ट्रिप थाईलैंड के लिए। इस ट्रिप पे आप इंडिया से लेकर बैंकॉक तक की फ़्लाइट की जर्नी, पहुंचने के बाद वीज़ा का प्रोसेस, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए, कितना कैश कैरी करना है और कौन कौन से मोबाइल कनेक्शन के ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, कितने का कॉस्ट करेगा और क्या मिलेगा। तो बने रहिए मेरे साथ, ये है एपिसोड 1 थाईलैंड सीरीज़। कोलकाता एयरपोर्ट सैटरडे तक कल से वापस बंद हो जाएगा। अभी हम लोगों ने लैंड किया है 9:27 पर और ये है कोलकाता एयरपोर्ट। साइक्लोन फनी का जो लाइव अपडेट मुझे यहाँ मिल रहा है गूगल पे सर्च करने के बाद, भुवनेश्वर एयरपोर्ट ऑलरेडी बंद कर दिया गया है। ये मतलब निकलता है कि अगर हम आज टेक ऑफ कर गए यहाँ से तब तो ठीक है, अदरवाइज हम सैटरडे तक यहाँ से टेक ऑफ नहीं कर पाएंगे, सारी फ्लाइट कैंसिल हो जाएंगी और सैटरडे तक हम लोग यहीं रहेंगे। इस समय तो ऑलरेडी 3,30,000 लोगों को इवैक्यूएट कराया गया है और कल तक शायद इसके कोलकाता की तरफ पहुँच जाने यानी वेस्ट बंगाल में आ जाने की आशंका होगी। इसलिए साइक्लोन फनी ही है, अब काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके हाथ में हैं। हम सैटरडे तक यहाँ रहेंगे, संडे को फ्लाई करेंगे या उसके बाद, चलते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो वहाँ पहुँचना है वीजा ऑन अराइवल के लिए और अप्लाई करते हैं। काफ़ी सारे लोग पहले ही खड़े हैं वीजा के लिए अप्लाई करते हैं। मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ कि क्या है, कैसे रहेगा। ये काउंटर है हमारे इंडिया वाले भाई साहब को के लिए। फॉर्मेलिटी से रिलेटेड मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपको बताता हूँ। वीजा ऑन अराइवल का जो फॉर्म है इंडियंस के लिए वो एक अलग डेस्क है, वहाँ इंडियंस का फॉर्म है और एक चाइनीज़ में भी फॉर्म है जो सामने की तरफ डेस्क पर आए, उसमें चाइनीज़ लोगों के लिए अलग से डेस्क है, अलग से फिल करके एक सैम्पल भी ऊपर पेस्ट किया है ताकि आप पढ़ के उसको बता सकें। और आप जब लेते हैं वीजा वगैरह फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें जो डॉक्यूमेंट हम लोगों ने लगाए हैं, एक जो आपको फ़्लाइट में मिलता है अराइवल कार्ड या वो आपको साथ में लगाना है, दूसरा पासपोर्ट आपको चाहिए, तीसरा आपको पेमेंट दिखाने के लिए मुझे नहीं बोला बट मैं 11,000 बाट यहाँ कैरी कर रहा हूँ अपने साथ, तो वो है ऑप्शन। और क्या था जो मैंने लगाया, हाँ देखा उन्होंने प्रूफ के लिए कि आप के पास स्टे का कुछ ऑप्शन है या नहीं है। वीजा ऑन अराइवल की कॉपी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप उसमें देख सकते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है जो फिल की जाती है। उसके बाद जब आप क्यू में खड़े होंगे, अच्छा 4 बजे हम लोग पहुँचे थे, 4:15 बजे और 6:30 बजे का टाइम है अभी, करीब करीब 2.25 घंटे में इतनी लंबी लाइन थी, वहाँ जा कर के फिर हम लोगों को वीज़ा मिला। वीज़ा मिलने का प्रोसेस बहुत लंबा नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई क्वेश्चन आंसर पूछे नहीं जाते हैं, सिंपल है, आप आ जाओ आ करके डॉक्यूमेंट
जैसे ही दोगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और विद इन 5 मिनट्स डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद काउंटर से आपको मिल जाएगा टोकन। उस टोकन को आपने लेकर दूसरे काउंटर पर जाना है जहाँ से आपको वीजा की कॉपी पकड़ा दी जाएगी। तो आपके ऊपर स्टैंप लगी होगी पासपोर्ट पे, पासपोर्ट पे स्टैंप लगी है और उसको आप उठाओ और जाओ। फिर एक एंट्री और होती है, वो जो अराइवल कार्ड आपको मिला था ना फ्लाइट में जो आपने फिल करके इनको दिया था, जब आप निकल के बैगेज वाले बैगेज क्लेम वाले इस पे आते हो जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ, तो उस वक्त आपसे पूछेंगे वो लोग, मतलब आपको काउंटर है वहाँ पर पासपोर्ट चेकिंग काउंटर, फॉरेन पासपोर्ट वाला काउंटर, आप वहाँ जाओ जा करके उनको दो और विद इन सेकेंड्स एंट्री करके आपको हाफ स्लिप वो दे देंगे और हाफ स्लिप वहाँ पे रखेंगे। ये हाफ स्लिप लेकर के जब आप आओगे ना नेक्स्ट टाइम रिटर्न के लिए तब आपको ये काम आएगी। तो इसको संभाल के रखना है आप सबको, अराइवल कार्ड की जो स्लिप आपकी होती है उसको इसको आप संभाल के रखो। ये जब आप रिटर्न जा रहे होंगे वापस तो तब आपको फ्लाइट का जो बोर्डिंग पास है इसी के थ्रू इशू हो जाएगा। तो ये अभी तक का पूरा प्रोसेस है, ज़्यादा मुश्किल तो नहीं लगा, आसान था, टाइम कंज्यूमिंग है और कोई फॉर्मेलिटी एज सच नहीं है। और अभी तक क्योंकि 31 अक्टूबर तक वेवर भी चल रहा है तो इसलिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब अगला टास्क सिम के लिए, वहीं पर मिलता हूँ। लो जी, अब हम लोगों ने परमिट ले लिया, बैगेज कलेक्ट कर लिया, अगला टास्क है सिम कलेक्शन के लिए। तो मुझे लग रहा है 299 रुपीज़ का 3GB 100 बाट का टॉक टाइम 299 रुपये में ठीक है। 8 दिन की वैलिडिटी, मेरा यहाँ का प्लान भी 8 का है, तो मैं शायद 2 सिम का अगर कोई कनेक्शन लेने वाला हूँ तो वो ये वाला होगा कि मैं 299 100 बाट का टॉक टाइम और 3GB का डेटा 4G स्पीड। ये है एक दूसरा ऑप्शन भी है जो 200 बाट का जो सामने आपको दिखता है, 7 दिन की वैलिडिटी है, 4.5 GB का डेटा है, अनलिमिटेड इंटरनेट है, 4.5 GB की स्पीड के बाद 2 Mbps हो जाएगी स्पीड जितना मर्जी आप नेट यूज करो। 1 दिन की वैलिडिटी का चक्कर पड़ने वाला है बस, क्योंकि मैं 10 तारीख को भी यहीं पर हूँ, मेरी जो फ्लाइट है वो अर्ली मॉर्निंग है। मुझे लग रहा है कि 100 वाट वाला टॉक टाइम का प्लान मेरे लिए अच्छा है। दूसरे के साथ भी पता करते हैं फिर मैं बताता हूँ आपके साथ क्या सिचुएशन है। मैक्सिमम स्पीड 1 Mbps है, अनलिमिटेड आप 4G पे इंटरनेट यूज करो। 4G का फ़ायदा क्या, अगर आप 1 Mbps की स्पीड दोगे, अनलिमिटेड डेटा नहीं चाहिए भाई, सो लग नहीं रहा है कि सूटेबल ऑप्शन है। 299 रुपये में 50 वाट का टॉक टाइम मिल रहा है, अनलिमिटेड 4G डेटा है और 1 Mbps की स्पीड है। मैं तो नहीं लेने वाला, मुझे स्पीड की ज़्यादा ज़रूरत है रादर देन डेटा। तो मैं शायद 3GB के साथ अभी तक ट्रू सिम का 299 100 वाट का टॉक टाइम वाला प्लान मुझे लग रहा है कि मैं वो लेने वाला हूँ। सामने मुझे अभी नज़र आया है हैप्पी टूरिस्ट सिम लिखा है जिस पे, ये टेलीनॉर है, एक बार इसको भी चेक करना बनता है। स्क्रॉल करते हुए चल रहा है कि 100 Mbps की स्पीड है, आई गो एंड सी दैट व्हाट दे हैव। अपने को मिल गया टेलीनॉर जिसको मैं बोल रहा था ना, ये डीटेक का सिम है, डीटेक, और डीटेक भाई साहब ने मेरे को सिम दिया है 299 वाट पे, यानी 600 रुपये के आसपास। 600 तो गलत है कहना, 2 रुपये 18 पैसे के हिसाब से तो ज़्यादा ही होगा। 8.5 GB का डेटा, उसके बाद 2G की स्पीड, 3G 35 वाट का टॉक टाइम, 8 दिन की वैलिडिटी। डील तो ठीक है, अब नेटवर्क सही होना चाहिए। डॉर्मेट्री बुक की है, उसका नाम है रेस्ट इन डॉर्मेट्री, जो कि है तलाद रोड में। सो अगर हम कैब करके जाते हैं तो 500 बार्स आ रहे हैं। तो मैंने जो एप्लीकेशन डाउनलोड की थी कैब सर्विस की, ग्रैब कैब, ग्रैब टैक्सी, तो 470 बाट का लोएस्ट प्राइस है। अगर सेम चीज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाने की सोचता हूँ तो फाया थाई एक मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से 22 मिनट का मेट्रो पे है और उसके बाद 26 मिनट का बाय बस और फिर 700 मीटर यानी 10 मिनट का वॉक, तब हम पहुँच सकते हैं। कितना खर्चा आएगा ये नहीं बता रहा इसमें, सो कॉस्ट एनालिसिस करना मुश्किल है, पर कैब से तो सस्ता होना चाहिए अगर मैं
मेट्रो और बस में ट्रैवल करता हूँ, तो सोच रहा हूँ कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक एक्सपीरियंस तो लेना बनता है। मैंने टैक्सी में बैठे, टैक्सी में पहुँच गए, फ़ायदा क्या हुआ है कि नहीं। तो थाईलैंड पहुँचे हैं और बैंकॉक में हैं, तो बैंकॉक का जो सिटी लाइफ है उसका एक एक्सपीरियंस लेने के लिए इस वक्त हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे। सुबह 7:17 का टाइम है और आज 3 मई है और ये पहला दिन है हम लोगों का पासपोर्ट के साथ। अभी तक की फॉर्मेलिटी सिर्फ इतनी है कि वीज़ा ऑन अराइवल पे हमने वीज़ा ले लिया है, बैगेज लाइन से बैगेज पिक कर लिया और 3 जगह एक्सप्लोर करके, जो मैं आज तक मानता था AI सबसे बेस्ट सिम है, मिथिलेश भाई क्या बोलते हो, नहीं है 1 MBPS की स्पीड, कोई और ऑप्शन ही नहीं रखा। मैं तो हैरान हूँ कि कैसे प्लान बनाती है। ट्रू वाला फिर भी बेटर है, पर जो मुझे अभी तक बेस्ट लग रहा और अभी तक तो जो सर्विस बेस्ट मिल रही है इस वक्त वो तो DTEC के साथ है। तो DTEC का सिम मैं ऑलरेडी खरीद चुका हूँ एज अब 299 रुपये में, 35 बाट का टॉक टाइम मिल गया और 8.5 GB का डेटा, 8 दिन की वैलिडिटी, और क्या चाहिए किसी इंसान पर। चलिए अभी अगला स्टार्ट करते हैं एक्सपीरियंस हम लोग ट्रैवल करने का लोकल ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। मेरे साथ वाले भी तो वाट लगी पड़ी है डेड, एक भाई साहब पानी भर ले गए, पता नहीं कब तक आएंगे। 3 लोग हैं, So I know this one also from India. No.